हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इंडियाबुल हाउसिंग की बात करने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी जो है लगभग 11,400 के आसपास है, मगर इंडियाबुल हाउसिंग लगभग 190 के आसपास गिरावट में कारोबार कर रहा है। इसमें वीडियो के द्वारा आप लोगों को न्यूज़ बताने की कोशिश की गई थी। और लगभग देखिए, काफ़ी ऊपर के लेवल से जब से PIL को दाखिल हुआ है तो लगभग 450 से गिर के अभी 200 के आसपास कारोबार कर रहा है। अभी जो रिसेंटली इसके जो अपडेट्स हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें जो 14 अक्टूबर को जो इनकी मीटिंग हुई थी तो उसमें ये फैसला आया है कि जो बायबैक के लिए जो घोषणा होनी थी तो उसमें अंतिम मंजूरी सेवी से लेना है। अब सेवी देखिए कब तक इनको मंजूरी देते हैं, तभी फिर बायबैक के आगे की प्रोसेस चलेगा। और एक ये पॉइंट रहा है। और दूसरा पॉइंट, इन्होंने ये अपडेट रहा है कि जो मसाला बॉन्ड है लगभग 1,330 करोड़ का, जो उन्होंने जो है रीपेमेंट ऑफ इंटायर मेच्योरिटी प्रोसीड फ्रॉम द मसाला बॉन्ड वर्थ 1,330 टू एक्सिस ट्रस्टी। तो कंपनी अपनी तरफ से पूरा पेमेंट कर रही है और अपने अनुसार जो प्रोसेस होता है उसी के अनुसार चल रही है। काफ़ी लिक्विडिटी भी है, बट स्टॉक जो है लगभग 200 के आसपास रहा है। और जो इन्होंने लेटर में ये भी कहा है कि जो जैसे र्यूमर्स और सोशल मीडियाज में फैले उसके कारण स्टॉक में काफ़ी गिरावट रही है। PIL का मामला है जो आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलेगा, तो ये एक कंसर्न है कंपनी के लिए। और जो इनके प्रबंधक है, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है ये गगन बंगा जी, उन्होंने कहा है कि जो कंपनी द्वारा लगाई गई पाबंदियां ख़त्म हो गई हैं, जो ये लक्ष्मी विलास के लिए जो अप्रूवल नहीं मिला RBI के थ्रू, तो वो अब ये आगे आने वाले दिनों के लिए ग्रोथ के लिए देखेंगे। और जो लोन इनका जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो उसके हिसाब से रिटेलर्स जो होम लोन है और SME को है तो इनको बांटा जाएगा। और लगभग देखिए, इनकी जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि लगभग 18 से 20% रिटर्न देंगे। इस तरह से अगर आप स्टॉक को देखते हैं तो अच्छा, आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 2-3 महीने में ये सारी क्लियरिटी क्लियर हो जाएगी जो एलिगेशन लगाए गए हैं और रिजल्ट के द्वारा। और काफ़ी लिक्विडिटी भी है इनके पास, तो इनका कंपनी की तरफ से अपना पूरा मामला ठीक ठाक है। और जो NBFC का प्रॉब्लम चल रही है, इंडियाबुल हाउसिंग में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है ये इनका कहना है। बट देखिए, अब स्टॉक में जिस तरह से गिरावट रही है, लगभग 190 के आसपास कारोबार कर रहे हैं आज 15-10-2019 को, जबकि देखिए अब बायबैक का जो मामला था जिसमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट था कि आने वाले दिनों में जो बायबैक की घोषणा होनी थी तो वो अंतिम मंजूरी जो है सेवी के द्वारा दिया जाएगा, तभी ये बायबैक होगा। अब कंपनी के पास काफ़ी लिक्विडिटी है, तो आने वाले दिनों में आप देखिए ये अपना प्रोसेस करेंगे। क्योंकि अभी तक जो मामला था इनका, पाबंदी इन्होंने खुद ली थी कि बैंक में मर्जर हो जाना था, क्योंकि ये वेट भी कर रहे थे कि बैंक से मर्जर हो जाता है तो फिर आप उस तरह से जैसे बैंक काम करता है उसी तरह से ये काम करते हैं। बट अब ये जो है जैसे अब इनका लोन का, जैसे इंडियाबुल हाउसिंग लोन प्रोसेस करती है उसी तरह से फिर ये आने वाले दिनों में अपना लोन का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इनका ये भी कहना है कि 2-3 साल के बाद, 2-3 साल के बाद ये डेवलपर जो रियल्टी से है उसमें लोन से हटना चाहेंगे और जो मेन फोकस रहेगा जो अदर लोन में रहेगा, तो ये इनका कहना था। तो आने वाले दिनों में इंडियाबुल हाउसिंग अच्छा करेगा, बट जितने भी अभी लगभग 400 से 500 के बीच जिन्होंने लिया है, क्योंकि एक साथ गिरावट आ गई थी उसमें, तो वहां से अब ये 200 रुपये के आसपास है, तो इसका ट्रेड जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरह से ट्रेड कर रहा है। देखिए, जो ये आज 190 के आसपास कारोबार कर रहा है और लगभग 4% नीचे की तरफ है। वॉल्यूम भी आज अच्छा खासा है, 2,80,61,285 अभी तक ये लाइव चल रहा है, तो अच्छा खासा वॉल्यूम हो चुका है इसमें। और जो आज इसने लो किया था 182 लो किया है और 196.40 बहुत साइड चल रहा है। देखिए 197 के आसपास ये बंद हुआ है, क्लोजिंग इसकी 197.80 था, वहाँ से देखिए अभी 190 पे है और 182 आया, फिर 190 आज चला गया है। अगर ये आज 197 से ऊपर की तरफ
बंद होता है, तब आप इसको फिर आने वाले दिनों में कुछ अगले हफ्ते तक तेजी देख सकते हैं इसमें। फिलहाल देखिए ये स्टॉक अभी इसी के आसपास रहने की उम्मीद है। ऊपर की तरफ अगर ये शॉर्ट कवरिंग के द्वारा लगभग अगर 217 से ये ऊपर की तरफ चलेगा, तब आप वहाँ से फिर अच्छा मूव देख सकते हैं। जब लक्ष्मी विलास बैंक का जो खबर आई थी कि रद्द हो गया है, तो वहाँ से फिर आपने देखा कि लगभग 240 245 के आसपास था, तो वहाँ जाने की कोशिश करेगा। और नीचे की तरफ देखिए 176 178 के आसपास है, तो इसको होल्ड करना चाहिए। इसको अब देखिए बायबैक के लिए जो अंतिम मंजूरी है वो सेबी देगा, और इनके पास काफ़ी कैश भी है इन्होंने जो कहा है, और पीआईएल का मामला जो है आने वाले दिनों में चर्चा में रहेगा। वो अब वो उसका मामला अगर ठीक ठाक अगर रह जाता है या फिर सुलझ जाता है, तो आपको फिर स्टॉक जो है थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करेगा, वहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और प्लस रिजल्ट का भी रहेगा, देखिए अब क्वार्टरली रिजल्ट अगर ये अच्छा दे देते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप स्टॉक को ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं। और देखो 400 के आसपास के लेवल में इस स्टॉक को ले रखा है, तो उनको होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी फिलहाल एक दो महीना आप देखिए, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसी के आसपास का अगर आप स्टॉक देख रहे हैं, कोई बैंक का स्टॉक देख सकते हैं। बट बैंक के स्टॉक जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक हैं, लगभग 2-3 महीना इनको भी ठीक ठाक होने में लगेगा। और जब तक ये रेट कट हो रहे हैं, दिसंबर तक रेट कट होगा, उसके बाद हो सकता है फिर फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी आएगी। और फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी आएगी तभी आपको निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये एक ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब तक अगर फाइनेंशियल सेक्टर में तेजी नहीं आएगी, तब तक जो है निफ्टी जो है ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अब ये है कि जैसे अगर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऑटो सेक्टर का थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, फिर मेटल सेक्टर का सपोर्ट हो जाएगा, तो जो बैंक के स्टॉक हैं कुछ वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ जा रही है। देखिए अभी कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि जब से ये गिरावट आई है फाइनेंशियल सेक्टर में, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं तो फिर आप उनमें प्रॉफिट बुकिंग भी देख रहे हैं। तो जिनको अभी ऊपर के लेवल पे है तो उनको होल्ड करना चाहिए, और जो अभी खरीद रहे हैं तो उनको भी ये समझना चाहिए कि लमसम इसको 5 से 6 महीना देने की कोशिश करें, लगभग 1 साल मान के चलिए, तभी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। ये है कि यहाँ से कोई और बुरी खबर नहीं आनी चाहिए, बट कंपनी का जिस तरह से स्टेटस है, लगता नहीं कि इंडियाबुल हाउसिंग में कोई प्रॉब्लम आगे आने वाले दिनों में होगी। ये पीआईएल जो आप दिया गया है उसको अगर ये मामला ठीक ठाक रह जाता है तभी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और फिलहाल देखें मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, और ये जो बायबैक का भी मामला रहा है जो लक्ष्मी विलास बैंक में जो रद्द किया गया था, तो उसके वजह से सेबी को अप्रूवल देना है। अब ये कब तक ये मंजूरी देते हैं ये देखने वाली बात होगी। और जिस दिन ये न्यूज आएगी कि मंजूरी मिल चुकी है तो स्टॉक में तेजी हो सकती है वहाँ से। अब देखना पड़ेगा कि कब तक ये मंजूरी देते हैं, फिलहाल समय भी लग सकता है क्योंकि जानते हैं कि आप सरकारी काम है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सरकारी काम है तो ये समय लग सकता है। फिलहाल बायबैक की खबर रहेगी, बट ये है कि आने वाले दिनों में अगर मंजूरी मिल जाती है तो स्टॉक में तेजी होने की उम्मीद रहेगी। तो ये इंडियाबुल हाउसिंग का जो कुछ खबरें थी उसको बताने की कोशिश थी। ने जो रेटिंग दी है A++ लॉन्ग टर्म के लिए है, और A+ जो है शॉर्ट टर्म के लिए है। 1,330 करोड़ का पेमेंट किया है मसाला बॉन्ड का एक्सेस ट्रस्टी को। अब बायबैक के लिए अंतिम मंजूरी सेबी से लेना है, कंपनी अपनी तरफ से फिर कोशिश कर रही है। और अब इसमें व्यू ये रहेगा कि आप होल्ड करने की कोशिश करिए, और जो यहाँ पे खरीद रहे हैं तो समय देने की कोशिश करिए। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप कोशिश करिए, कुछ बैंक का स्टॉक उसी के आसपास का आता है तो आप उसको ले सकते हैं। जैसे SBI है, अगर वो गिरावट में रहता है और इसका स्टॉक साथ में रहता है तो आप उस स्टॉक को जो है 50-50 जैसे 100-50 आप SBI का ले लीजिए, 50 इसको ले लीजिए। अगर मार्केट यहाँ से लगभग तेज बढ़ेगी तो उसमें इंडियाबुल हाउसिंग का भी बढ़ना रहेगा, और फाइनेंशियल सेक्टर जब बढ़ेंगे तभी आप देखेंगे कि इंडियाबुल हाउसिंग भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये अपडेट था। अगर आप लोगों को इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।